हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सूडो को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सूडो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल की हेल्प ले रहा हूँ, आपके सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले सूडो स्टैंड्स फॉर सुपर यूजर डू। इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सुपर यूजर होता है, जिसे हम लोग रूट यूजर बोलते हैं। रूट एक ऐसा यूजर होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसे किसी भी टर्मिनल पर सभी कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है। लेकिन दोस्तों, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, उन्हें किसी भी टर्मिनल पर एक पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन ही होती है। यानी कि रूट यूजर को किसी भी टर्मिनल पर किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की फुल परमिशन होती है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल यूजर होते हैं, उन्हें एक लिमिटेड कमांड को एग्जीक्यूट करने की ही परमिशन होती है। अब अगर दोस्तों आप किसी भी नॉर्मल यूजर को ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं जो उसकी उसके राइट से बाहर है, तो आप सूडो कमांड के द्वारा वो राइट्स दे सकते हो उस नॉर्मल यूजर को। जैसे कि, और मैं यहां पर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं इस फाइल की हेल्प से। तो सबसे पहले सूडो स्टैंड्स फॉर सुपर यूजर डू। इट इज मेनली यूज फॉर प्रोवाइड कमांड एग्जीक्यूशन राइट फॉर एनी यूजर और ग्रुप। एक सेकेंड जरा। फॉर एनी यूजर और एनी ग्रुप। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि रूट यूजर को सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की फुल परमिशन होती है किसी भी टर्मिनल पर, लेकिन नॉर्मल यूजर को एक लिमिटेड कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन ही होती है। लेकिन अगर आप सूडो के द्वारा किसी भी नॉर्मल यूजर को ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं जो उसकी परमिशन से बाहर है, तो आप सुपर यूजर सूडो के द्वारा उस यूजर को उस कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन को दे सकते हो। और जब भी हम लोग सूडो के द्वारा किसी भी यूजर को या किसी भी नॉर्मल यूजर को ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं जो उसके राइट से बाहर है, तो उसके लिए हम लोग एक फाइल यूज करते हैं जो कि रूट पार्टीशन के अंदर एटीसी डायरेक्टरी के अंदर सूडर्स नाम से फाइल होती है। दोस्तों, इस सूडर्स फाइल के द्वारा ही हम लोग नॉर्मल यूजर को कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं। जैसे कि, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन किया और अभी मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करता हूँ जो कि प्रीत यूजर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रीत यूजर से लॉगिन किया। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पर प्रीत यूजर के द्वारा यूजर ऐड करने की कोशिश करूँ, यानी कि यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पप्पू नाम का यूजर क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मशीन ने आपके सामने एक एरर दिया, परमिशन डिनाइड। यानी कि प्रीत यूजर को यूजर ऐड कमांड करने की, सॉरी, यूजर ऐड कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो अगर आप प्रीत यूजर को यूजर ऐड या कोई अनदर कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सूडर्स फाइल या फिर सूडो कमांड।
अब कैसे करते हैं वो देखिए जरा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहां पर आपको अलग अलग कंडीशन के द्वारा आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले हमारी सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि मैं प्रीत यूजर को सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहता हूं। यानी कि प्रीत यूजर जो है वो किसी भी टर्मिनल से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सके या सभी कमांड को एग्जीक्यूट कर सके। तो परमिशन देने के लिए सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन होना पड़ेगा और आपको विम एडिटर के द्वारा रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर सूडर्स फाइल को ओपन करना होगा। ये सूडर्स फाइल आप ओपन कीजिएगा और यहां पर मैं आपके सामने लाइन नंबर यूज करता हूं सूडर्स फाइल के अंदर। और यहां पर आप आइएगा जरा थोड़ा सा नीचे, ये वाला लाइन नंबर 98 देखिए दोस्तों। सबसे पहले 97 में रीड कीजिएगा, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। यानी कि रूट यूजर को किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है किसी भी टर्मिनल से। और 98 में आप ये देख भी सकते हैं कि रूट यूजर को किसी भी टर्मिनल पर, ये ऑल जो है दोस्तों ये किसी भी टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी टर्मिनल से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीत यूजर भी किसी भी टर्मिनल से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सके, तो आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले यूजर नेम डालिएगा, उसके बाद आप ऑल इज इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सेम वही रखना है आपको, ऑल यानी कि प्रीत यूजर को सभी टर्मिनल से सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। तो इस तरह दोस्तों अगर आप ये सिंटेक्स रखते हैं तो प्रीत यूजर को किसी भी टर्मिनल से या सभी टर्मिनल से सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल जाएगी। अब कैसे वो देखिए जरा, इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं यहां पर डब्ल्यू क्यू और एंटर, एक सेकेंड, डब्ल्यू क्यू फाइल लगा लेता हूं फोर्सफुली एग्जिट करने के लिए। अब कैसे कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा वो, ये देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर वापस प्रीत यूजर से लॉगिन होते हैं, प्रीत एंड पासवर्ड। ये देखिए हम लोग प्रीत यूजर से लॉगिन हो गए। चाहे तो आप हु एम आई के द्वारा ये चेक भी कर सकते हैं, अभी हम लोग प्रीत यूजर से हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं यूजर एड स्पेस अगेन मैं एक पप्पू नाम का यूजर क्रिएट करूं प्रीत यूजर के द्वारा, तो अगेन आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीत यूजर को यूजर एड कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, परमिशन डिनाइड का ऑप्शन दे रहा है। दोस्तों अगर आप सूडर्स फाइल को हिट कराना चाहते हैं एक्स कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको यहां पर सूडो टाइप करना पड़ेगा, एक सेकंड, सूडो। ठीक है, तो सूडो आपको जब जब भी आपको प्रीत यूजर के द्वारा कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो जो उसके राइट से बाहर है और आपको सूडो की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले सूडो यूज करेंगे, देन कमांड नेम और जो भी यूजर का नेम है टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहा है कि आप सबसे पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको प्रीत यूजर का एक बार पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, RETHAT, जो कि मेरा प्रीत यूजर का पासवर्ड है, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, अब आप यूजर ऐड कमांड के द्वारा प्रीत यूजर ने एक पप्पू नाम का यूजर क्रिएट किया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेप कमांड यूज कर सकते हैं, ग्रेप स्पेस, जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं, किस फाइल में फिल्टर करना चाहते हैं, रूट ईटीसी के अंदर
5WD फाइल के अंदर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और ये आप देख सकते हैं कि 5WD फाइल के अंदर हमारे पप्पू यूजर की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग प्रीत यूजर के द्वारा किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं। और एक और मैं यहां पर क्या करता हूं कि अब मैं यूजर डेल यानी कि मैं पप्पू यूजर को डिलीट करना चाहता हूं सूडो कमांड के द्वारा। दोस्तों जब आप किसी भी यूजर से लॉगिन होके पहली बार सूडो कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस यूजर का आपको पहली बार पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने प्रीत यूजर का भी वेरीफाई किया था। लेकिन जब आप सेकंड टाइम पर सूडो के द्वारा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो दोबारा से आपको प्रीत यूजर का पासवर्ड या किसी भी यूजर को अपना पासवर्ड वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा और वो कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। यूजर जो है केवल आपको फर्स्ट टाइम टाइप करना पड़ता है या वेरीफाई करना पड़ता है। और दोबारा से अगर मैं ग्रैब करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पप्पू यूजर की एंट्री 5WD फाइल से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सूडो की हेल्प से एक नॉर्मल यूजर को ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं जो उसके राइट से बाहर होता है। आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग-अलग कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे सूडर्स के लिए।